सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 मदद के हाथ पढ़ेंगे। यह मौखिक पाठन है। इस पाठ में चार दोस्त की कहानी को दर्शाया गया है, उनके व्यवहार, उनके आदतों को बताया गया है। चार दोस्त एक बार पार्क में खेल रहे थे। उनमें से एक दोस्त नीचे गिर जाती है तो उठने के लिए दूसरे दोस्त से मदद मांगती है। कोई उनकी मदद करना नहीं चाहता, परंतु इन चारों में से एक लड़की मीनू है जो उसको उठाती है नीचे से। मीनू एक ऐसी लड़की है जो एक अनजान व्यक्ति की मदद करती है सड़क पार करने में, क्योंकि वो व्यक्ति अंधा रहता है, कुछ देख नहीं पाता है। तो मीनू उसकी किस प्रकार से मदद करती है, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी के दोस्त मीनू से क्या सीखते हैं वो भी हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सब बच्चे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब निकालेंगे, उसमें आज का डेट डालेंगे। आइए पाठ पढ़ते हैं। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टियाँ थी। नीरू, रिचा, मीनू और दोर्थी पार्क में खेल रहे थे। कुछ बड़े बुजुर्ग भी पार्क में बैठे सर्दी की धूप का मज़ा ले रहे थे। खेल खेल में नीरू जमीन पर गिर पड़ी। उसने दोर्थी की ओर हाथ बढ़ाया और उससे उठाने के लिए कहा। दोर्थी मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं उठा सकती, तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगी है, मेरे सुंदर हाथ गंदे हो जाएंगे। रिचा यह सुनकर तपाक से बोली, तुम्हारे हाथ सुंदर है, सुंदर तो मेरे हाथ है, देखो कितने गोरे हैं मेरे हाथ। तब तक मीनू वहां आ गई थी। उसने नीरू का हाथ थामा और उसे उठा लिया। नीरू ने मीनू को धन्यवाद दिया और फिर सारे बच्चे खेलने लग गए। खेलते खेलते मीनू की नज़र हाथ में छड़ी लिए एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति देख नहीं सकता था, वह सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था पर गाड़ियों का शोर सुनकर बार बार पीछे हट जाता था। मीनू तेजी से पार्क से निकली और उस व्यक्ति के पास पहुंची। बाकी बच्चियों मीनू को देखने लगी। मीनू ने उस व्यक्ति का हाथ थाम लिया। उसके बाद उसने पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा और दोबारा दाएं देखा। फिर मीनू ने उन्हें सड़क पार करवाई। पार्क में दोर्थी के दादाजी भी बैठे हुए थे। वे इन बच्चों की नोक झोंक देख सुन रहे थे। दादाजी उठकर बच्चों के पास गए और बोले, तुम सब इतनी देर से अपने अपने हाथों को सुंदर, सबसे सुंदर बता रहे थे ना, पर तुम सब में मीनू के हाथ है सबसे सुंदर, सबसे अच्छे। जानते हो क्यों? क्योंकि जो हाथ दूसरों की मदद के लिए बढ़े और उन्हें सहारा दे, वही तो होते हैं सबसे सुंदर हाथ। तो हुए ना मीनू के हाथ सबसे सुंदर। तब तक मीनू भी वापस आ गई थी। सभी बच्चियों मीनू की ओर देखकर तालियां बजाने लगी और गाने लगी। देखिए कौन सा गाना सब बच्चियों मीनू के लिए गाते हैं। सबसे सुंदर मीनू के हाथ, सबसे अच्छे मीनू के हाथ, सुंदर हाथ मदद के हाथ, सबसे अच्छे मदद के हाथ। तो देखेंगे बच्चे इस पाठ में किस प्रकार से सारे दोस्त मीनू की प्रशंसा करते हैं कि उसने कितनी साहस और बहादुरी के साथ एक अंधे व्यक्ति की मदद करती है सड़क पार करवाने में। तो आप सब बच्चों को भी मदद करनी चाहिए, जिसको भी मदद की आवश्यकता होती है तो बेझिझक मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद के हाथ ही सबसे अच्छे हाथ होते हैं। तो इस पाठ को आप लोग घर में दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से। इस पाठ के कठिन शब्द मैं यहाँ पर लिखी हूँ, इसे आप लोग जोर जोर से सही उच्चारण के साथ 3 बार कॉपी में लिखेंगे। इन शब्दों को पहले मैं पढ़ रही हूँ। शब्द है इस प्रकार, रविवार, छुट्टी, पार्क, धन्यवाद,
व्यक्ति कोशिश गाड़ियों तेजी तालियां सहारा। तो इन शब्दों को आप लोग याद भी करेंगे और पाठ अच्छे से पढ़ेंगे घर में। धन्यवाद।